हेलो फ्रेंड्स, नमस्ते। आज मैं आप लोग को बरबटी यानी कि झुणका बीज का सब्जी बना के दिखाऊंगी। चलिए फिर बनाते हैं सब्जी। ये देखिए फ्रेंड्स, ऐसा है झुणका का बीज। इसको हम लोग बरबटी का बीज भी बोलते हैं। इसको मैं एक घंटा दो घंटा के लिए भिगा के रखी थी। उसके बाद में कुकर में इसको मैं बॉईल कर ली हूँ। देखिए फ्रेंड्स, ये बॉईल किया हुआ बीज है। ये ज़्यादा इसको बॉईल करना नहीं है, इस तरह से मैश होना चाहिए। इसको दबाने से मैश हो जाना चाहिए। इसमें मैं हल्का नमक और हल्दी और थोड़ा सा तेल डाल के बॉईल की हूँ। कढ़ाई मेरा गर्म है, पहले मैं इसमें तेल डाल लेती हूँ। आप अपना हिसाब से तेल डालिए। फ्लेम को बढ़ा देती हूँ ताकि तेल जल्दी गर्म हो जाए। देखिए इसमें दालचीनी है, तेजपत्ता एक है, बड़ा इलायची है, छोटा इलायची है और दो चार लौंग है। इसको मैं दरदरा कूट ली हूँ। अब तेल गरम हो चुका है, इसमें मैं जीरा डाल रही हूँ। गरम मसाला, गोटा गरम मसाला, थोड़ा सा अजवाइन, प्याज डाल दूंगी। हल्का ब्राउन होने तक इसको मैं थोड़ा भून लूंगी। अब इसमें मैं चार हरा मिर्ची डाल रही हूँ। आप अपना हिसाब से मिर्च डाल सकते हैं। थोड़ा सा अदरक लहसुन का पेस्ट, थोड़ा सा हल्दी पाउडर, धनिया पाउडर, एक चम्मच चिकन मसाला, थोड़ा सा पानी डाल देती हूँ। कश्मीरी मिर्च पाउडर, थोड़ा सा धनिया पत्ता, कद्दूकस किया हुआ टमाटर, थोड़ी देर के लिए ढक्कन लगा देती हूँ। अब मैं ढक्कन हटाकर देख लेती हूँ। टमाटर पक चुका है,
जरूरत का हिसाब से मैं इसमें दूध डाल रही हूँ। फ्लेम धीमा कीजिए, धीमा आंच में इसको पकाना है। इसमें मैं मिर्च पाउडर, हल्का मिर्च पाउडर भी डालूंगी। मिर्च पाउडर डाल रही हूँ। डालने के बाद फिर से मैं इस तरह से मिला देती हूँ। इसके बाद फिर से मैं ढक्कन लगाकर 2 मिनट के लिए छोड़ देती हूँ। अब मैं ढक्कन हटाकर देख लेती हूँ। यह है चाट मसाला। अब मैं बॉईल किया हुआ बीज को डाल रही हूँ, बरबट्टी यानी कि झुंगा का बीज। अब मैं इस समय पर नमक डाल रही हूँ, जरूरत का हिसाब से नमक डाल रही हूँ। थोड़ा थोड़ा मैं इसको मिक्स कर लेती हूँ ताकि इसका जो रस है वो थोड़ा मोटा हो जाए, यानी कि ठीक हो जाए। जरूरत का हिसाब से मैं इसमें गर्म पानी डाल रही हूँ। आप अपना हिसाब से पानी डाल सकते हैं। आखिर में मैं धनिया पत्ता डाल रही हूँ। इसके बाद गरम मसाला पाउडर डाल रही हूँ। आप इसको सब्जी का आकार में भी खा सकते हैं या फिर दाल का आकार में भी बना के खा सकते हैं। ये मेरा सब्जी बन चुका है, रेडी हो गया है खाने के लिए। अब मैं गैस का फ्लेम को बंद करती हूँ। देखिए इस तरह से मेरा सब्जी दिखाई देती है। अगले वीडियो में फिर से मिलते हैं फ्रेंड्स और एक नए रेसिपी के साथ। आज के लिए इतनी। ओके बाय टाटा।